प्रशासन के पास जो इमीडिएट चैलेंज है, जो कि हम आपको मालूम है कि हर वर्ष हमारे पास सैलानी बाबा यात्रा भरती है, जिसमें कम से कम 1 लाख से 5 लाख तक भाविक हमारे जिले में विभिन्न विभिन्न राज्यों से आते हैं। तो कोविड की बैकग्राउंड पे हमने उसको इस बार स्थगित कर दिया है। वो इसलिए किया है क्योंकि अभी तो फिलहाल हमारे बुलढाणा में कोई भी एपिसोड कोविड का नहीं है, परंतु बाहर राज्यों से कोई अगर इन्फेक्टेड पर्सन इस यात्रा के दौरान जिले में दाखिल हुआ और उसके द्वारा ये फैल गई डिजीज, तो हमारे लिए उसको कंट्रोल करने में वो चैलेंजिंग हो सकता है। हम प्रिपेयर्ड है, फिर भी चैलेंज हो सकता है, इसलिए प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की उसके बेसिस पे हमने इसको कैंसिल कर दिया है। साथ ही में हमने जिला प्रशासन अकोला, नांदेड़, परभनी और जालना, इनके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स के साथ भी चर्चा की है कि उस पाथ से, उस मार्ग से आने वाले भाविक जो सैलानी बाबा यात्रा में शामिल होते हैं, उनको व्यापक प्रसिद्धि दे के उनको बताया जाए कि यहाँ पे यात्रा स्थगित हो गई है, तो आने का कोई औचित्य नहीं अब रह गया है, तो बुलढाणा में आने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी प्रिकॉशंस हमने ली हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम कोरोना वायरस के थ्रेट से अपने ब्रिलियंट बुलढाणा को बचाएंगे और इसमें आपका सहकार्य और अमूल्य योगदान अपेक्षित है। तो मेरी सारी मीडिया मित्रों से यही निवेदन है कि आप अपने माध्यम से डिफरेंट डिफरेंट लोगों तक, बिल्कुल गांव-गांव के लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचाएं कि किस प्रकार हमें कोरोना वायरस से सतर्क रहना है। धन्यवाद। नौ तारीख को होलिका दहन से हाजी हजरत अब्दुल रहमान और सैलानी बाबा के संदल का आरंभ, यात्रा का आरंभ होने जा रहा था, लेकिन चीन के बाद अब भारत में भी एक भयानक बीमारी कोरोना वायरस ने एंट्री कर ली है और कई मरीज यहां पर पाए गए हैं। और इसी को भांपते हुए जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उसे डिवाइड करने का प्रशासन ने निर्णय लिया है और बुलढाणा में जो सैलानी बाबा की यात्रा भर्ती है उसे भी रद्द करने का निर्णय जिलाधीश मैडम ने लिया है। अभी हमारे साथ में कुछ भाविक है जो करीमनगर से आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फराज। फराज भाई ये करीमनगर से आए हुए हैं और वो सैलानी पहुंच चुके थे, लेकिन उन्हें स्थानीय पुलिस प्रशासन ने बताया है कि यात्रा रद्द हो गई है, इसलिए वो अपनी फैमिली के साथ में अब वापस जा रहे हैं। आप प्रशासन की तरफ से मैं भी ये अपील करता हूँ कि जो लोग दूर दराज से सैलानी बाबा की ज्यारत के लिए, उनके संदल में और होली के लिए आने वाले हैं, वो कृपया यहाँ पर ना आए, क्योंकि यहाँ पहुँचने के बाद उन्हें ही परेशानी होने वाली है। इसलिए आप अपने मकाम पर रहें। यात्रा अगले साल भी हो सकती है, आप ज़रूर अगले साल आइए, लेकिन कृपया करके इस साल ना आए। धन्यवाद। छोड़ने भी आ रहे क्या कहाँ पर? फोटो गया गाड़ी कपा सही।